पाकिस्तान की जेल में कैद असम की महिला के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए याचिका को खारिज किया है। साथ ही आवेदनकारी को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने का मशवरा भी दिया है। और एक अहम खबर यहां आपको बता रहे हैं, असम के नगांव की महिला पाकिस्तान के जेल में कैद है और मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए याचिका को खारिज किया है। साथ ही आवेदनकारी को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने का मशवरा भी दिया। असम की नगांव की वाहिदा बेगम और उसका नाबालिग बेटा पाकिस्तान के क्योटा जेल में बंद है। महिला की माँ को पाकिस्तान से कानूनी नोटिस भेजा गया। इस नोटिस के बाद ही मामले का खुलासा हुआ है। मामले को लेकर महिला की मां दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाने पहुंची थी। कोर्ट नंबर 33 में जस्टिस सिद्धार्थ मुर्गी और जस्टिस तलवंत सिंह का बेंच ने हमारे रिट पिटीशन हैवियस कॉर्पस रिट पिटीशन पर सुनवाई की। जज ने हमसे ये कहा कि टिटोरियल जुडिक्शन हमारा जुडिक्शन नहीं बन रहा है, जबकि एज पर द लॉ CPC के तहत साफ मेंशन था। मैंने जज को काफ़ी कहा कि साहब सेक्शन 20 ऑफ CPC और दूसरा सेक्शन आर्टिकल 226 इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि साहब इस केस के लिए आप गुवाहाटी हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को हम यहां से डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए जुडिक्शन के सवाल पर हमारे रिट पिटीशन को डिसमिस किया। सुप्रीम कोर्ट में भी मंडे या ट्यूजडे में भी फाइल द प्रेजेंट रिट पिटीशन। थैंक यू फॉर रिकवरी ऑफ द किडनैप लेडी।